मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीर नवजीवन परियोजना का शुभारंभ किया। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीएम मोहन यादव तालाब सफाई अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, एक बार जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। खासकर बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है परमात्मा ने विशेष कृपा की है। सीएम ने कहा कि कक्षा 12वीं की छात्रा ऐशना अग्रवाल का नवाचार बहुत अच्छा है, बच्ची ने तालाबों को साफ रखने का संकल्प लिया है। लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है, हमारे इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया। मेरी अपनी ओर से ऐशना को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। ऐसे प्रयोग के लिए अग्रवाल परिवार की ओर से सम्मानीय विनोद अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा, हमारे यशस्वी सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत, माननीय रघुनंदन शर्मा जी पूर्व राज्यसभा सदस्य, लेकिन बेटी के कारण से हम इकट्ठा हुए और कई लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि हमारे यहाँ पर जो निस्तार का पानी निकलता है, इस निस्तार के पानी को पुनः शुद्ध जल में बदलने के लिए प्रकृति से भी कितना सुंदर प्रयास हो सकता है, यह उत्कृष्ट उसका उदाहरण है, मेरे अपनी ओर से बधाई। वहीं नीर नवजीवन परियोजना को तैयार करने वाली ऐशना अग्रवाल का कहना है कि हम युवा हैं, हमें अपने शहर की जल संरचना को शुद्ध रखने के लिए आगे आना होगा, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट से न केवल तालाबों का पानी स्वच्छ होगा बल्कि इन तालाबों में रहने वाले जीव जंतुओं को भी भोजन मिल सकेगा। आज हम जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम नीर नवजीवन है। प्रोजेक्ट नीर नवजीवन का उद्देश्य है कि हम जवाहरलाल उद्यान में को एक नई जिंदगी दे, ताकि इस पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नई जिंदगी मिल सके। मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक वाटरबॉर्न बीमारियों से हम बचकर रह सके, लेक का इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर हो सके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पीओडी एंड पीओडी के लेवल का संतुलन बना रहे, यहाँ पर खेलने वालों की संख्या बढ़े और बच्चों के खेलने के लिए एक उचित बात। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।